बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फिजा कवर, बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले मशरिक हेडलाइंस। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि माजी में सैनेट इंतखाबात के बाइस बलूचिस्तान काफ़ी बदनाम रहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने आज अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तला'आत ने कहा है कि दरख्त हमारे लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखता है। डिप्टी कमिश्नर लोरालाई ने कहा है कि लोरालाई की आवाम कबायली रवायात के मुताबिक इंतजामिया से अच्छे तआवुन करते हैं। कलात पुलिस की एक और बड़ी कामयाब कार्रवाई, तीन कत्ल के इश्तहारी मुलजमान गिरफ्तार। लापता अफराद के खानदान के मासूम बच्चे सड़कों पर सरापा एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर झलमक्सी ने कहा है कि स्कूलों में तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करना नागुजीर बन चुका है। इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चेयरमैन इमरान खान को खराज तहसीन पेश करते हैं। अब चलते हैं खबर की तफसील की जानिब। वजीर आला बलोचिस्तान मीजाम कमाल खान ने कहा है कि माजी में सैनेट इंतखाबात के बाइस बलोचिस्तान काफ़ी बदनाम रहा, ताहम अब किसी को भी मौका नहीं देंगे कि वो बलोचिस्तान से मुंतखब होकर यहाँ के अवाम की नुमाइंदगी ना करें। अब्दुल कादिर ने आज़ाद उम्मीदवार के तहत सैनेट कागजात जमा करवाए हैं। सैनेट में पहले बलोचिस्तान की बदनामी होती थी, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासिन जई ने कहा है कि बलोचिस्तान में आबाद अकवाम कदीम तहजीब व तमद्दन के अमीन हैं। ज़रूरी है कि सूबे के चप्पे चप्पे में पाए जाने वाले अजीम तरीन नवादरात और बाक़ियात से नई नस्ल को रोशनास कराया जाए, क्योंकि इन्हीं आसार कदीमा की हिफाजत और बहाली से बलोचिस्तान दुनिया भर के सयाहों का मरकज़ बन सकता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीजाम कमाल खान ने आज अयूब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ज़ेर तामीर तरक्याती मनसूबों का दौरा किया। सूबाई मशीर खेल सकाफत उमूर नौजवानान अब्दुल खालिक हज़ारा, सेक्रेटरी खेल इमरान गिचकी, सेक्रेटरी बिल्डिंग गुलाम अली बलोच और दीगर आला हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तला'आत मोहतरमा बुशारिन ने शजरकारी मुहिम के हवाले से अपने एक बयान में कहा है कि दरख्त हमारे लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखते हैं। दरख्तों की वजह से फिजा साफ और खुशगवार रहती है और साफ हवा की बदौलत इंसान कई किस्म की बीमारियों से महफूज रहता है। सूबे में दरख्तों की अहमियत को समझते हुए शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लोरालाई कैप्टन रिटायर्ड फयाज़ अली ने कहा है कि लोरालाई की आवाम कबायली रवायात के मुताबिक इंतजामिया से अच्छे तआवुन करते हैं और लेवीज़ फोर्स ऑफिसरान अच्छी तरह ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रिजालदार मेजर लेवीज़ फोर्स सरदार लतीफ़ खान जोगेजई के दफ्तर में असिस्टेंट कमिश्नर लोरालाई अताउल नईम बलोच को अलविदाई चाय पार्टी के मौके पर किया। कलात पुलिस की एक और बड़ी कामयाब कार्रवाई, तीन कत्ल के इश्तहारी मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। डीआईजी कलात रेंज व मकाम खुददार जावेद अहमद की खसूसी हिदायत पर एसएसपी कलात अरबाब अमजद अली कासी की जेर निगरानी में डीएसपी एसडीपीओ कलात गुलाम हुसैन बाजोई और दीगर ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से कलात पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। लापता अफराद के खानदान के मासूम बच्चे सड़कों पर सरापा एहतजाज होने के बावजूद अदारों का बाजियाबी के लिए मौसर किरदार अदा ना करना सवालिया निशान है। असद खान अचकजई समेत तमाम लापता अफराद को बाजियाब कराया जाए। डिप्टी कमिश्नर झलमक्सी डॉक्टर शर्जील नूर ने कहा है कि स्कूलों में तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करना नागुजीर बन चुका है। गैर हाजिर असातिज़ा किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई के साथ साथ तनख्वाहों की कटौती की जाएगी। हम बच्चों के मुस्तकबिल पर कोई भी समझौता कबूल नहीं करेंगे। इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको लिए चलते हैं। तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का मशहूर हूँ कि आप लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज देने के लिए वक्त निकाला। आज के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो सेनेट इलेक्शन में चेयरमैन इमरान खान ने पार्टी के देरीना व वफादार साथी जहूर आगा को टिकट जारी किया था, उसके चेयरमैन साहब के शुक्रिया के हवाले से मेरे साथ यहाँ पे क्वेटा सिटी हमारे क्वेटा डिस्ट्रिक्ट इंसाफ जोन फेडरेशन लेबर विंग और यूथ विंग के अहदेदारान मौजूद है, वेलफेयर विंग के दोस्त भी मौजूद है। इंसाफ जोन फेडरेशन बलूचिस्तान चेयरमैन इमरान खान को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने एक पैराशूटर को मुस्तरद करके पार्टी के देरीना और नज़रियाती साथी सैयद जहूर आगा को सेनेट टिकट जारी किया। सैयद जहूर आगा की पार्टी के लिए खिदमत किसी से पोशीदा नहीं। सैयद जहूर आगा पार्टी के मुख्तलिफ अहदों पर रहकर पार्टी की फालियत में एक अहम किरदार अदा किया है।
और 2013 के जनरल इलेक्शन में पार्टी की टिकट पर अलका पीबी सिक्स पर पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ चुके हैं और मौजूदा सेंट्रल रीजन के कैबिनेट में सीनियर नायब सदर के अहदे पर फायज है। जहूर आगा की सेनेट के लिए नामजदगी पार्टी के नजरियात जहूर आगा की सेनेट के लिए नामजदगी से पार्टी के नजरियाती वर्करों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पीटीआई बलूचिस्तान के तमाम मेंबर सूबाई असम्बली जहूर आगा की सेनेट के लिए नामजदगी पर मुतफिक और एक पेश पर है और ये फैसला चेयरमैन इमरान खान और पार्लिमानी बोर्ड ने मुश्तरक तौर पर पीटीआई बलूचिस्तान के तमाम नजरियाती वर्करों की दिली आवाज़ पर किया है। सैयद जहूर आगा इंशाल्लाह मुंतखब होकर सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा करेंगे और पार्टी के वर्करों की आवाज़ बनेंगे और सूबे के जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उसको तरक्की याफ्ता इलाकों में शामिल करने के लिए अपने किरदार अदा करेंगे। पीटीआई बलूचिस्तान के तमाम मेंबर सूबाई असेंबली जहूर आगा की सेनेट टिकट पर नामजदगी पर मुतफिक और एक पेज पर हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashriq.com.pk।